व्याकरण पढ़ेंगे। हाँ, पहला लेसन कौन सा है? भाषा और व्याकरण। आप लोगों ने अभी तक जो व्याकरण जो पढ़ा है, जो ग्रामर पढ़ा है ना, वो थोड़ा सा अलग होगा, छोटा है लगता है। आज हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे कि भाषा क्या होता है, व्याकरण क्या होता है। तो आप जब पूरा पढ़ते जाओगे तो आपको और अच्छे से उसको समझ में आता जाएगा। अभी यहाँ पे और सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने अपने ग्रामर बुक निकालो बेटा, उससे आपको समझने में बहुत अच्छे से सहूलियत होगी। अगर सपोज किसी के पास नहीं है, खरीदवा लो, और मैं जो कुछ लिखी हूँ ना उसको आप लोग अपने नोटबुक में कॉपी डाउन कर लेना, ठीक है? अभी बुक में दिया है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। अपन कोई पड़ोसी आंटी आए, अंकल आए, कुछ बोलते हैं, सपोज अगर कुछ भी बोलते हैं, बेटा ये कर दो वो कर दो, अगर मैं आप लोग से बात कर रही हूँ तो वो क्या हो गया? एक भाषा। भाषा से ही हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, एक दूसरे से मेलजोल बढ़ा सकते हैं। किससे क्या होता है? हम भाषा का प्रयोग तभी करते हैं जब हम बातचीत कर रहे हैं या तो किसी से बोल रहे हैं। अगर हम कुछ बोलेंगे नहीं तो सामने वाले को समझ में क्या आएगा? अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है तो हम बात मुझे कैसे समझ में आएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे भी यही है कि वह माध्यम जिसके द्वारा समाज में अपने विचारों का आदान प्रदान होता है उसे भाषा कहते हैं। बुक में क्या दिया है? एक लेडीज है जिसका नाम है शोभा, वो दौड़ते दौड़ते आई, एक बच्चे को बोली कि गांव से मेरे नाम का लेटर आया, मुझे पढ़ना नहीं आता, पढ़ के दिखा। तो वो जो लड़का है वो आंटी को पढ़ के सुना रहा है कि उसके गांव में क्या हुआ है, क्या हालचाल है। ये पोस्टमैन भी आते हैं, तो पोस्टमैन भी किसी किसी को जैसे पढ़ना नहीं आता गांव में, तो पोस्टमैन अंकल उन लोगों को पढ़ के सुनाते। ये क्या होता है? भाषा। जब एक दूसरे से हम बातचीत करते ना, वो भाषा कहलाती है बेटा, कि वो भाषा हम समझ सकते हैं तभी हम समझा सकते हैं। अगर जब हमको किसी की समझ में नहीं आएगा तो हम उसका रिप्लाई कैसे देंगे, उसका क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? अगर मैं भी किसी दूसरे लैंग्वेज में बात कर रही हूँ और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो ये तो नहीं होगा। मैं वही समझाऊंगी जो आपको समझ में आ रही है, वो आप भाषा और मेरी भाषा, आप दोनों की भाषा सेम होनी चाहिए, या अलग भी हो तो ऐसे होनी चाहिए जो समझ में आ सके। वही वह माध्यम। मैं बार बार इसको रिपीट करूंगी, इसलिए इसको कॉपी डाउन कर लो, अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लो, है ना? वह माध्यम, माध्यम मतलब जो विचार जो एक दूसरे से हम करना करते, वह माध्यम जिसके द्वारा समाज में, आस पड़ोस में, स्कूल में, घर में, कहीं पे भी, समाज में वो सभी आ जाते हैं, घर आ जाता है, स्कूल आ जाता है, पास पड़ोस के आ जाते हैं, समाज से ही बनता है। समाज में अपने विचारों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान मतलब हम अपने विचार बता सकते हैं और उनके विचारों को हम सुन सकते हैं, वही आदान प्रदान होता है ना। तो वो क्या हो जाता है? वो क्या कहलाती है? भाषा। भाषा कहलाती है। भाषा विचार विनिमय का साधन है। साधन मतलब एक जरिया होता है, हम एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे हैं या एक दूसरे के विचारों को सुन रहे हैं या अपने विचारों को बता रहे हैं, वो एक साधन है। क्या हो गया वो साधन? भाषा। वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है ना। फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा, देखो ध्यान से। मैं अगले लेक्चर में आप लोगों का कभी भी मैं पूछ सकती हूँ, इसको परिभाषा पूछ सकती हूँ। वह माध्यम जिसके द्वारा समाज में अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है या होता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा। भाषा विचार विनिमय का एक साधन होता है। हम एक दूसरे के विचार विनिमय को करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, वो साधन कहलाता है। परिवार में, पास पड़ोस में, या अपन जैसे रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं, सभी एक जैसी जानकारी वाले नहीं रहते, एक भाषा जानने वाले नहीं रहते, मगर हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हम समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं और दूसरे की बातों को हम समझ सकते हैं। वैसे रेलगाड़ी में सफर कर रहे हैं, कोई दूसरी भाषा फिर भी अगर वो बोल रहे हैं, हम समझ रहे हैं, तो इससे हमारे मेल जोड़ क्या होती है? बढ़ती है। तो याद दिया, परिवार में, पास पड़ोस में, बाजार में, रेलगाड़ी में, समय पर हम बोल कर अपने विचारों या भावों को व्यक्त करते हैं। अभी एक एग्जाम्पल दे, एक छोटा सा बच्चा है जिसे बोलना नहीं आता, मगर वो जब उसको भूख लगता है तो वो क्या करता है? वेरी गुड। क्या करता है बच्चे? वो रोता है। तब उनकी मम्मी को समझ में आ जाता है कि मेरे बच्चे को क्या हुआ है, भूख लगी है। वो तो बोल नहीं सकता क्योंकि वो छोटा बच्चा, फिर भी उसकी जो भाषा होती है मम्मी को समझ में आती है। अगर बच्चे को बहुत खुशी हो रही है, वो बहुत हंस रहा है, तो मम्मी को भी समझ में आ जाती है, हाँ मेरा बेटा को भरा है पेट, उसे भूख नहीं लग रही है, वो अभी खेलने के मूड में
है कि नहीं। और अगर मम्मी अगर कुछ बोलती है बच्चे को, तो मम्मी जो बोलती है बच्चे को तो समझ में नहीं आता, फिर भी उनके जो बोलने के हाव भाव, चेहरे के हाव भाव से भी बच्चे को समझ में आ जाता है कि मम्मी जी मम्मी क्या बोलना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे हाव भाव अपन करते हैं तो बच्चे को समझ में आ जाता है, और बच्चा क्या करता है, खिलखिलाता है, हंसता है या मुस्कुराता है या हंसता है ना। अगर वो दहाड़ी मार के रो रहा है, बहुत जोर जोर से रो रहा है, तो मम्मी समझ जाती है हाँ पेट में दर्द है या ऐसी कोई तकलीफ हो, तो वो बच्चे और माँ की भाषा है, वो भी आदान प्रदान होती है ना। वो तो बोल नहीं सकता बच्चा, फिर भी उसके विचारों को या तो उसके भाव को समझ कर मम्मी क्या समझ जाती है कि मेरे बच्चे को भूख लगी है, कब लगी है, वो समझ जाती है। वही हो जाता है विचार विनिमय का साधन, क्या हो जाता है, भाषा हो जाता है। अब भाषा के दो भेद होते हैं, भाषा के दो भेद होते हैं, उसके बारे में मैं बताती हूँ। पहले इसको अच्छे से समझ लो, फिर एक बार मैं रिपीट करी हूँ। वह माध्यम जिसके द्वारा समाज में अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है या होता है, उसे भाषा कहते हैं। हाँ, भाषा विचार विनिमय का एक साधन है, ये भी एक जो अंडरलाइन करी हूँ ना, भाषा विचार विनिमय का एक साधन है। इसको भी अच्छे से कर लोगे तो भी ये शॉर्टकट बोला जाता है ना, आप लोग जो शॉर्टकट अपनाते हैं ये ज्यादा आप लोगों को सहूलियत होगा। भाषा विचार विनियम का एक साधन है, विचार का साधन है मतलब एक माध्यम है ना, एक जरिया है कि हम अपने विचारों को दूसरे पे समझाते हैं और दूसरे विचारों को हम समझ सकते हैं। भाषा के दो भेद होते हैं है ना, भाषा के पहला है मौखिक, पहले अपन इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताती हूँ, फिर लिखित भाषा। मौखिक होता है, सबसे पहले जब अपन विचारों को करते हैं ना, एक दूसरे को विचारों को आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, तो सबसे हमारा क्या होता है, मौखिक होता है। क्योंकि हम किसी से मिलते जुलते हैं तो हम अक्सर बोलते ही हैं, लिख के तो नहीं बताते, बोलते ही हैं। क्यों? क्योंकि अगला समझ आ रहा, अपन वहां पर कागज कलम नहीं लिख सकते, पकड़ सकते ना। अगर हम कहीं जा रहे हैं रेलगाड़ी में, बाजार में, या तो अभी मैं आपको बता रही हूँ, पहले क्या बोल रही हूँ मैं आप लोगों को, जैसे गुड मॉर्निंग बोली तो वो बोली तो वो क्या हो जाएगा, मौखिक। मैंने लिख के नहीं बताया गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नहीं ना, गुड मॉर्निंग बोला गया, या तो आप लोग जैसे गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो वो भी क्या हो जाता है, एक मौखिक भाषा हो जाती है ना। तो ये क्या है, जो मुख से बोले जाने वाली भाषा को क्या बोला जाता है, मौखिक। मुख से बोले जाने वाली भाषा मौखिक भाषा होती है, मौखिक भाषा होती है। मुख मतलब बेटा क्या होता है, मुंह। वेरी गुड, मुख से बोले जाने वाली भाषा क्या हो जाती है, मौखिक भाषा होती है। और सबसे पहले मौखिक भाषा को ही पहले महत्व दिया गया था, क्योंकि लिखित तो बाद में है, पहले मौखिक ही हुआ, क्योंकि हम किसी से भी जब वार्तालाप करते, बातचीत करते, तो हम वो मौखिक ही कहलाते हैं। हम कुछ भी बोल रहे हैं तो हम लिख के नहीं बता सकते, अगर हम हाय हेलो करते हैं, हालचाल पूछते हैं, तो ये मौखिक। और सबसे बड़ा साधन इसका मौखिक का, आज के जमाने का क्या ज्यादा पॉपुलर हो गया है, वेरी गुड, मोबाइल, इंटरनेट। उसमें भी हम क्या, अगर सपोज किसी को कुछ जाना है, किसी को बोलना, आप लोग को कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप लोग तुरंत मोबाइल पकड़े, नंबर डायल करें, कॉल करें, मैं वो वाला मुझे समझ में नहीं आया है ना, तो वो क्या हो जाएगा, ये मौखिक हो रहा है। आप मोबाइल में तो लिख के दिखाओगे तो वो बात अलग है, मगर पहले आप हेलो मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप बोलते हो, तो वो बोलना क्या हो जाएगा, मौखिक हो जाता है ना। तो वो मुख से बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाएगी, मौखिक भाषा होती है। मनुष्य सबसे पहले मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता था, ज्यादा से ज्यादा मौखिक भाषा का ही प्रयोग गया, कहीं गए बातचीत करें तो वो मौखिक। आप लोग जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना ओरल, अभी मैं जैसे बोले, आप जैसे छोटे क्लास में थे, फिफ्थ फोर्थ थर्ड सेकंड वन फर्स्ट ये सब में थे, तो मैम बोलती थी ना, आज कल मैं आपका ओरल लूंगी, आप लर्न करके आना फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, एनिमल्स नेम, जो भी है टेबल लर्न करके आना। हाँ, तो मैम जब ओरल लेती थी तो वो क्या लिख के लेती थी कि पूछती थी, बोलती थी वेरी गुड, पूछते थे ना, और आप लिखते थे कि उसको बोलते थे वेरी गुड, बोलते थे, तो वो क्या हो गया, मौखिक, जिसे इंग्लिश में ओरल बोला जाता है ना, मौखिक भाषा। तो मुख से बोले जाने वाली भाषा को क्या बोला जाता है,
भौतिक भाषा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने बोला ना मोबाइल, दूरभाष, दूरदर्शन। अभी कोई भी न्यूज आता है, अभी जैसे अभी बहुत ज्यादा फैला कोरोना, कोरोना का अपन समाचार में सुने सबसे पहले कि चाइना ने ऐसा हुआ, चाइना में ऐसा हुआ, वो इतना फैल गया यहाँ पे ऐसे। हम न्यूज में जब देखते हैं हम तो देख रहे हैं, मगर अगला कैसे बोल रहा है, बोलता है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है यहाँ पे, ये एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, भूकंप आ गया, वो सब क्या हो रहा है दूरदर्शन पे मौखिक के जरिए ही हम तक पहुंच रहा है। ठीक है, ये हो गया मौखिक भाषा। अब ये हम बताएंगे लिखित भाषा का। लिखित भाषा में क्या बोला जाता है, लिखकर विचारों को, लिखकर विचारों को, अपने विचारों को या विचारों को बोलो, लिखो। ठीक है, विचारों को बेटा मैं जो लिख रही हूँ उसको कॉपी डाउन करते जाओगे, विचारों को अभिव्यक्त करने वाली अभिव्यक्त भाषा क्या, कौन सी भाषा कहलाती है, लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा कहलाती है। ये क्या हो गया, लिखकर विचारों को। अभी यहाँ पे मैं अभी आप लोग को कॉपी डाउन करने बोल रही हूँ, आप कॉपी डाउन कर रहे हैं, मैं बोर्ड पे लिखा रही हूँ, ये कौन सी भाषा हो गई, वेरी गुड, लिखित भाषा हो गई। इसमें देखो लिखकर विचारों को अभिव्यक्त भाषा लिखित भाषा कहलाती है। हम अपने भाषा को अभिव्यक्त करते हैं तो लिख के करते हैं, कोई कोई बोल नहीं पाता तो वो अपने विचारों को या अपने भाव लिखकर बताता है, तो वो क्या हो जाएगा, लिखित भाषा कहलाती है। तो भाषा के दो भेद अपन लोगों ने पढ़े, पहला कौन सा है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। भाषाएं में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये अगर आप लोग पढ़ोगे मौखिक भाषा और लिखित भाषा की प्रकार क्या है, उसको क्या बोला जाता है, उसको परिभाषा क्या ऐसा है, तो आप लोगों को भाषा को समझने में कठिनाइयां नहीं होगी। फिर से एक बार बता रही हूँ, मौखिक भाषा को आपने क्या पढ़ा था, मुख से बोले जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं, वेरी गुड, मौखिक भाषा। और लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने वाली भाषा को क्या बोलते हैं, लिखित भाषा, वेरी गुड। अभी समाचार पत्रों में अभी मैंने लिखित मौखिक भाषा का एग्जाम्पल क्या दिया था, दूरदर्शन या मोबाइल। अभी लिखित भाषा का मतलब क्या है, न्यूज़पेपर, वेरी गुड, समाचार पत्र, कोई भी हम पढ़ते हैं। अभी जो बुजुर्ग लोग होते हैं या अपने घर में भी पापा हो मम्मी हो बहुत सारे जिनको न्यूज़पेपर पढ़ने का बड़ा शौक होता है ना, न्यूज़पेपर ये और इसमें लिखा हुआ पढ़ते हैं, पापा तो पढ़ रहे मगर वो लिखा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, लिखित भाषा कहलाएगी। अभी मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप लोग उसको बुक में लिख रहे हैं, ये कौन सी भाषा हो गई, लिखित भाषा। अब मैं बोल रही हूँ आप लोग सुन रहे हैं, कौन सी भाषा हुई, वेरी गुड, वो कौन सी हो गई, मौखिक भाषा। और आप लोग मैंने बोर्ड पे लिखा, आप लोग उसको बुक में लिख रहे हैं, ये कौन सी भाषा हो गई, लिखित भाषा, वेरी गुड। ये वाला आप लोगों को समझना चाहिए। हाँ, अभी विद्यालय में स्कूलों में दोनों चलता, हम अगर पहले भी बोला बैठा मैंने बाजार में गए रेलगाड़ी में बैठे वहां पे सिर्फ मौखिक भाषा ही चलती है। हाँ, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पे किसका ज्यादा होता है, लिखित भाषा का, वेरी गुड, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं आप आंसर पेपर में लिखते हो तो वो हो गया लिखित भाषा। मगर स्कूलों में दोनों होता है कि नहीं, अभी मैं आपको बोल रही हूँ पढ़ा रही हूँ आप लोग सुन रहे हो, ये क्या हो गया, मौखिक भाषा। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ बेटा मैंने बोर्ड पे लिखा है आपको कॉपी डाउन करना, तो ये क्या हो गया, लिखित भाषा, वेरी गुड। तो देखो विद्यालय में स्कूलों में कॉलेजों में ये दोनों आप लोगों को लिखना पड़ता है, भाषा के दोनों वेद आपको स्कूल में यूज करना पड़ता है। और ऐसे ही हम लोगों में संवाद होता है तो भी वो संवाद लिखित में भी होता है और मौखिक में भी होता है, इसलिए हम लोग का बॉन्डिंग जमता है स्टूडेंट का और टीचर का, क्योंकि हम दोनों भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसके आगे का हम भाषा और भाषा ए और उसकी लिपियां वो हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बच्चों।